ये हमारी अंदाज नहीं है, पूरी दुनिया की अंदाज है। और मैं कोई भी सिनेमा करता हूँ तो मैं अपने लिए नहीं करता, क्योंकि उसमें मेरा खुद का कोई स्वार्थ नहीं होता। इसमें मैं पब्लिक के मनोरंजन के लिए और समाज को मैं अपने एक्ट से क्या दे सकता हूँ, अपने ऊर्जा से क्या दे सकता हूँ, यही कोशिश करता हूँ। तो ये अंदाज सिर्फ खेसारी लाल यादव, अर्शी खान और सोनिका जी का नहीं, सुजीत जी का नहीं, इस पूरी टीम का नहीं, बल्कि ये पूरे समाज का है। और इससे कहीं ना कहीं कुछ लोगों को सीख जरूर मिलेगी। एक बच्चे की क्या अहमियत होती है, एक माँ की क्या अहमियत होती है, एक शरीर का क्या अहमियत होता है और पैसे की क्या अहमियत होती है, ये सारी अहमियत को दर्शाया गया है इस अंदाज फिल्म में। जब आप सिनेमा देखेंगे तो शायद आपको पता चलेगा। कितने एक्साइटेड हैं इस अंदाज फिल्म को लेकर? हर सिनेमा, हर महीना तो सिनेमा करते हैं, कितना एक्साइटेड रहेंगे। तो है इसलिए कि नई नई हीरोइनें मिली है, तो भाई नए चेहरे के साथ एक्साइटेड तो होता ही है। जब नई बहू आती है घर में तो हर आदमी को एक्साइटेड होता है ना। क्या खाओगी बेटी, क्या बना दे, इस पे बैठो उस पे बैठो। तो मेरे अंदर भी है कि नहीं नहीं, दो मेहरारू मिली है हमको, तो एक्साइटेड तो बहुत है। मेहरारू मतलब तो रियल तो सुनिए, रियल में तो बाद में देखेंगे। तो दो बीबियां है हमारी, किसी को यहाँ एक नहीं मिल रही है। सबसे अच्छी बीवी मैं हूँ। ये तो पता तब चलेगा जब हम आपको ट्राई करेंगे मूवी में, जब हम ट्राई करेंगे कि आप कितनी अच्छी बीवी का रोल कर सकती हैं, कितनी अच्छी आप बीवी बन सकती हैं, ये तो बाद में पता चलेगा हम लोग को। तो दो बीवियां हैं, तो अब दोनों बीवियां में कौन मेरी अपनी होती है, और वही तो एक अंदाज है कि दो लड़कियों को कैसे हैंडल करता हूँ। वहाँ एक बेटी का भी महत्व है, एक बेटे का भी महत्व है, एक पत्नी का भी है, एक पति का भी है, एक पैसे का भी है और एक इंसानियत का भी। तो हमने कोशिश की है जो हर उस चीज़ों को पहलू को रखा जाए जिससे समाज को कुछ सीख मिले। कितना अलग किरदार हो गए, जैसे लुक काफी डिफरेंट लग रहा है। लुक डिफरेंट तो नहीं है, पुराना फोटो है मेरा, झूठ नहीं बोल रहा इनके सामने तो झूठ बिल्कुल नहीं बोल रहा। ये मेरा पुराना फोटो है, अभी इस फिल्म का लुक आया नहीं है, इस फिल्म का लुक अब डिजाइन होगा। वो पुराना फोटो चिपका दिया है पोस्टर पे, मेरा भी पुराना पिक्चर है। हाँ, अब हम लोग जो डिजाइन करेंगे वो नया होगा। किरदार की बात करें तो कितना अलग होगा? किरदार मेरे लिए टफ है थोड़ा सा, क्योंकि दो जगह मुझे सफर करना है, तो दो जगह सफर करना है, तो दो घरों में मुझे वही प्यार दिखाना है, वही भाव दिखाना है, तो मेरे लिए थोड़ा सा टफ है। माइनस करना बात कोई नहीं, अगर हम सच्चे हैं तो धरती के हर चीज को माइनस कर सकते हैं, बस सिर्फ हमें सच्चे होना पड़ेगा। लोकेश मिश्रा जी फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, लोकेश जी प्रोड्यूसर बाद में है, पहले मेरे गार्जियन है और भाई है, और ब्राह्मण कुल से है तो हमारे लिए पूजनीय है, और हर उस ब्राह्मण को मैं अपने गुरु की तरह ही मानता हूँ। तो मेरा तो सौभाग्य है कि एक ब्राह्मण कुल के इंसान मुझे मेरे ऊपर पैसे अभी तक तो इन्होंने लिया है। हम लोग यजमान है, यही पुरोहित है, अभी तक तो इन्होंने दक्षिणा लिया है, अब मैं ले रहा हूँ, आज पहली बार यजमान ले रहा है, तो कुछ खास तो होगा। और मैं पैसे नहीं, मैं इनका प्यार और आशीर्वाद ले रहा हूँ, और इसी के साथ इस सिनेमा का हिस्सा हूँ मैं, अर्शी जी, सोनिका जी और सारे लोग जितने भी सिनेमा के हिस्सा बने हुए हैं, सबको मेरी तरफ से शुभकामना है। और ईश्वर इस सिनेमा को इतना बड़ा करे कि सिर्फ खेसारी का जो नाम वो तो है, बट जो नए लोग जुड़े हैं उनका भी नाम उतना ही बड़ा हो जितना दुनिया खेसारी को जानती है। डायरेक्टर साहब बारे बात करें, सुजीत कुमार सिंह फिल्म डायरेक्टर। देखिए, डायरेक्टर अगर आपको डायरेक्ट कर रहा है तो समझ में आता है, लेकिन अगर एक भाई आपको डायरेक्ट कर रहा है तो वहाँ आदमी बड़ा कम्फर्टेबल महसूस करता है। तो मेरे लिए सुजीत जी डायरेक्टर कम, भाई मेरे ज़्यादा है, और हमारे रिलेशन जो है एक भाई की तरह है। तो जब एक भाई आपको, एक छोटे भाई को हैंडल करता है ना, तो वहाँ वो डायरेक्ट नहीं होता, वो समझो कि एक परिवार वाली चीज़ें हो जाती है। तो परिवार में जब कोई बच्चा पलता है और गार्जियनशिप में पलता है तो कभी बिगड़ता नहीं। तो मुझे भी ये कहीं ना कहीं आभास है कि अपने बड़े भाई के साथ में काम कर रहा हूँ तो अच्छा अनुभव होगा, और पहले भी मैं कर चुका हूँ, तो ज़्यादा टफ नहीं है इनके साथ मेरा।